दोस्तों आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये एमपी सेट का पेपर है, डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडी का फाइनल आंसर की रहेगा। और इससे पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस का वीडियो और ओल्ड पेपर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के जीए एकेडमी में देख सकते हैं या कि फिर एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते। चलिए देख लेते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। रक्षा स्ट्रेटजिक अध्ययन की अंतिम अंतिम उत्तर कुंजी, ठीक है। चलिए फाइनल आंसर की है इसकी, ये देखिए 2018 में सेट हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन है, रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन विषय का अध्ययन क्षेत्र सम्मिलित करता है। डी इज अ राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ये भी ये भी ये भी, मैं ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं बनाना चाहती, इस वजह से मैं ऑप्शन और क्वेश्चंस बोलती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचार दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा हानिकारक खतरों से सापेक्षित मुक्ति है। राइट आंसर इज अ सी। थर्ड क्वेश्चन है, भय से मुक्त एवं अभाव मुक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए इज अ राइट आंसर, मानव सुरक्षा से। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ा था। सी इज अ राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन छापामारों की तुलना मछली से तथा जनता की तुलना जल से की है। डी इज अ राइट आंसर। चलिए सिक्स क्वेश्चन है, IISAF दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो बी इज़ द राइट आंसर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, है ना, असिस्टेंस। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है, नाविकीय युग में सीमित नाविकीय युद्ध लड़ने जाने की पक्षधरता किसने की है। डी इज़ द राइट आंसर, डी। एट्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में अफगानिस्तान के साथ रणनीति साझेदारी स्थापित की। सी इज़ अ राइट आंसर, 2011। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, आतंकवादी समूहों और संगठित अपराधियों के लिए धनार्जन के बड़े स्रोत निम्नलिखित में से क्या हैं। डी इज़ अ राइट आंसर, इनमें से सभी। टेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व में हो रहे आंतरिक संघर्षों के सूचकों में चिन्हित नहीं किया गया है। ए इज अ राइट आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मूलभूत उद्देश्य नहीं माना जाता है। डी इज अ राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, किसी देश के सुरक्षा बजट के निर्धारण तत्वों में कौन सा बाह्य निर्धारक तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। बी इज अ राइट आंसर, भय प्रत्यक्षीकरण। 13 क्वेश्चन है, गार्डन रिच कार्यशाला संबंधित है। ए इज अ राइट आंसर, जल पोत निर्माण से। 14 क्वेश्चन है, विश्व ग्राम की अवधारणा का सर्वाधिक प्रेरक कारक है। डी इज अ राइट आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व राजनीति का उबलता हुआ कड़ा कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर, पश्चिमी एशिया। 16th क्वेश्चन है, कौन सा देश बोको हराम के आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है। बी इज द राइट आंसर, उस टाइम की बात है, नाइजीरिया। 17th क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन संघर्ष निवारण की तकनीकी नहीं है। डी इज़ अ राइट आंसर, हिंसाग्रस्त सीमाओं पर कटीले तार लगाना। 18th क्वेश्चन है, मैकिंडर के भू शक्ति सिद्धांत में विश्व का कौन सा क्षेत्र हृदय स्थल के रूप में माना जाता है। डी इज़ अ राइट आंसर, यूरेशिया। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों को उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डी इज अ राइट आंसर, कौटिल्य, महान, माओ और किसिंजर। 20 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विचारक ने रक्षा और औद्योगिक आधार को राष्ट्र के सुरक्षा हितों के लिए आवश्यक आर्थिकी के किसी वस्तु सेवा अवयव या लागत के रूप में परिभाषित किया गया है? डी इज द राइट आंसर, एडम स्मिथ। 21 क्वेश्चन है, मैच करना है जोड़ी को, मतलब जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं उनको मैच करना है। तो हम राइट आंसर देख लेते हैं, ए इज़ द राइट आंसर है, तो चलिए मिलाएंगे अपन। ए का 4 है और बी का 3rd है, ठीक है, सी का क्या है 2nd है और डी का 1st है, ठीक है, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 22 क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है। चलिए हम वो देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। तो ए का क्या है, ए का 4 है, बी का 3 है, ठीक है, सी का 1st है और डी का 2nd है, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, एक में कथन दिया गया है, दूसरे में आपको कारण दिया गया है। पहला कथन है, शक्ति की मितव्ययता युद्ध का सर्वोच्च नियम है। तर्क है, सैन्य टुकड़ियों का सही वितरण युद्ध की महाकला है। राइट आंसर इज अ डी, मतलब ए असत्य है, ए जो है असत्य है, लेकिन आर सत्य है, ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। 24 क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही इसमें नाविकी प्रौद्योगिकी और ईंधन के हस्तांतरण के माध्यम से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। और तर्क क्या देते हैं ये, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि से खतरा महसूस करता है। डी इज़ द राइट आंसर, ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, ये कथन था, ये तर्क था, जो कि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। 2 ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर था 24 का। 25 का देख लेते हैं, इसमें भी कथन दिए गए हैं, भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए नाभिकीय ऊर्जा विकल्प पर जोर दिया गया है जो 2050 से पूर्व पाने की संभावना नहीं है। तर्क क्या, यदि थोरियम आधारित उत्पादन प्रौद्योगिकी नहीं पाई जाती तो भारत अपने नाभिकीय संयंत्रों के लिए यूरेनियम के आयात पर निर्भर हो जाएगा। इस स्थिति में क्षमता में वृद्धि का भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता पर भारी प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर इज अ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी तरीके से 26 क्वेश्चन है, पहला कथन दिया गया है, क्रांतिकारी प्रकृति के युद्ध में छापामारी कार्यवाही अपरिहार्य और अनिवार्य है। तर्क है, छापामार युद्ध कर्म सबल के विरुद्ध निर्बल का संघर्ष है। डी इज़ द राइट आंसर, ए और आर दोनों सही हैं, हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है। चलिए 27 क्वेश्चन है, पहले कथन दिया गया फिर तर्क दिया गया। कथन में किसी देश की स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता नीति अभी भी एक विकल्प है। तर्क है, समकालीन परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष नीति अभी भी सुसंगत है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आ जो दोनों कथन थे, मतलब एक कथन था एक तर्क था, दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों सही हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं, 28 क्वेश्चन है, अभी कथन तर्क और आर उपस्थिति चुनौतियाँ, मतलब चुनना है आपको सही गलत। अभी कथन है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सशक्त सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक हैं। तर्क है, वह अपने समस्त कार्य सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की सलाह पर करते हैं। ए इज़ अ राइट आंसर,
आर और ए दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। 29th क्वेश्चन है, अभिकथन ए, इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि सीमित युद्ध में यदि संघर्ष के प्रारंभिक चक्र में ही लक्ष्य परिभाषित नहीं हुआ तो कभी विजय नहीं मिलती है। तर्क, सीमित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग कर सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित लड़ाइयां हमेशा लड़ी जाती हैं। राइट आंसर इज अ ए, ए और आर दोनों सही हैं। चलिए 30 क्वेश्चन है, तुम्हें कथन भी दिया गया है और तर्क भी दिया गया है, ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। पहले हम कथन तो पढ़ लें। राष्ट्रीय राजनीति वह गर्भाशय है जिसमें युद्ध विकसित होता है। तर्क, युद्ध को स्वतंत्र चीज नहीं समझा जाना चाहिए, यह एक राजनीतिक उपकरण है। ए इज अ राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए, मतलब ए इज अ राइट आंसर। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सैन्य अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सेना का नेतृत्व किया था? लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नब्बीआर। 32 क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने वाली घटना कौन सी थी? फ्रांसीसी फर्नेड की हत्या। 33 क्वेश्चन है, एपेक एशिया और प्रशांत आर्थिक सहयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? डी इज़ द राइट आंसर, 1989 में। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी द्विप्रायोगिक प्रौद्योगिकी है? सी इज़ द राइट आंसर, रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? बी इज़ द राइट आंसर, स्टालिन और युगोस्लाविया। 36 क्वेश्चन है, किसने स्थाई क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? सी इज़ द राइट आंसर, ट्रॉटस्की ने। 37 क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की युद्ध नीति किस अवधारणा के प्राबल्य से नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की है? सैन्य मामलों में क्रांतिकारी परिवर्तन, ए इज़ द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? डी इज़ द राइट आंसर, गिर्गिस्तान। डी इज़ द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है, कलानुक्रम आरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है? डी इज़ द राइट आंसर, ग्रीन रेवोल्यूशन, रोज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, जैस्मिन रेवोल्यूशन। 39 का क्वेश्चन का आंसर डी है, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन का, कौन सा देश भारत को लंबी दूरी की खोजी अवलोकन प्रणाली की आपूर्ति करता है? बी इज द राइट आंसर, इज़राइल। चलिए 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित गुप्तचर सेवा प्रणाली का भाग नहीं था? डी इज द राइट आसन। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अम्लीय वर्षा वायुमंडलीय प्रदूषण के बीच संबंध का पता लगाया था? ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। 43 क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की आधारभूत मान्यता है। बी इज द राइट आंसर, पहचान के आधार के रूप में राष्ट्र का होना। 44 क्वेश्चन है, उनके संवर्धन प्राप्ति क्रम में निम्नलिखित भारतीय परमाणु अनुसंधान रिएक्टरों पर लिखे गए हैं? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जिसमें पहला है, फिर तीसरा है। एक मिनट, पहला है, फिर उसके बाद तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है। सी इज द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्ममेंट एंड हिस्ट्री का लेखक है? बी इज द राइट आंसर। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन में से किसकी भारत की साथ खुली थल से सीमा है? नेपाल। बी इज द राइट आंसर, जन सहयोग आवश्यक है। बी इज द राइट आंसर, गुरिल्ला युद्ध क्रम में। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन युद्ध का सिद्धांत नहीं है? सैन्य सहयोग इज द राइट आंसर। 49 क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? डी इज द राइट आंसर, 1963। 50 क्वेश्चन है, निम्न कौन गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती नहीं है? बी इज द राइट आंसर, परमाणु पनडुब्बी सुरक्षा, बी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन है, संघई सहयोग संगठन प्रमुख रूप से संबंधित है? सी इज द राइट आंसर, मध्य एशिया देशों से। 52 क्वेश्चन है, प्रेसलर संशोधन लागू किया गया था? डी इज द राइट आंसर, 1990 में। 53 के क्वेश्चन है, युगोस्लाविया का विघटन हुआ था? सी इज द राइट आंसर, सी। 54 क्वेश्चन है, किस देश की उपवर्जित आर्थिक क्षेत्र का फैलाव होता है? ए इज द राइट आंसर। 55 क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्ट्रैटेजिक साझेदारी पर निम्नलिखित किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? बी इज द राइट आंसर, 2011। 56 क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है? ए इज द राइट आंसर, भारत के पूर्वी तट पर। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव रहित विमान है? सी रुस्तम। 58 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति का सूत्र है PPCE है ना, किस द्वारा प्रस्तुत किया गया? सी प्लस ई प्लस एम इंटू एक्स एस प्लस डब्लू, राइट आंसर इज द ए। 59 क्वेश्चन है, UNHCR से संबंधित है? शरणार्थियों से संबंधित, वी इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन है, जनमत संग्रह के बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया? ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन से। 61 क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में भारतीय नौसेना ने सतह से सतह तक प्रहार करने वाली एंटी शिप मिसाइल बराक फर्स्ट खरीदा? किसे खरीदा? डी इज द राइट आंसर, इसराइल से। 62 क्वेश्चन है, भारत में 19वें सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था? सी इज द राइट आंसर, उड़ी पर हमले के कारण। इसमें मैच करना है आपको, राइट आंसर इज द ए। चलिए तो हम देख लेते हैं, केविन सी राइट, ए का राइट आंसर थर्ड है, बी का राइट आंसर सेकंड है, सी का राइट आंसर पहला है और इसका राइट आंसर फोर्थ है, मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए, किसने कहा था कि भारत के साथ एक साथ ढाई मोर्चे पर पूरी तरह युद्ध को तैयार है? डी इज द राइट आंसर, जनरल बिपिन रावत। 65 क्वेश्चन है, सुरक्षा समूह के से आशय है? डी इज द राइट आंसर, मतलब इनमें से सभी। चलिए, 66 क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौ बेड़ा समीक्षा 2016 का मूल विषय रूप में क्या था? ए इज द राइट आंसर, महानगरों के माध्यम से जुड़ाव। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विमान भारतीय वायुसेना का एयर टू एयर रिफ्यूलर, हवा से हवा में ईंधन भरने वाला विमान कौन सा? सी इज द राइट आंसर, IL-76। सी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रादेशिक जल क्षेत्र से अभिप्राय है? डी इज द राइट आंसर, देश के तट के समीप का समुद्रीय जल। 69 क्वेश्चन है, संप्रभुता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? राज्य की, सी इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की? ए इज द राइट आंसर, डी आइजनहावर। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से को उनके आरोही क्रम में लगाइए, मतलब सबसे पहले कौन सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना, ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। तो थर्ड, एक मिनट, तो थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ है,
फिर उसके बाद पहला है, फिर उसके बाद सेकंड है। चलिए 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कोल्ड स्टार्टर सिद्धांत संबंधित है। बी इज द राइट आंसर, भारत। 73 क्वेश्चन, इसमें मैच करना है। चलिए अपन आंसर देख लेते हैं। ए इज द राइट आंसर, ए का फोर्थ, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। रोहिंगा कहाँ से आते हैं? म्यांमार से आते हैं। चकमा बांग्लादेश से। अल्पसंख्यक मतलब कौन कौन सी जातियाँ अल्पसंख्यक को तालिका से देशों में मिलान कीजिए। रोहिंगा कहाँ के हैं? म्यांमार के। चकमा कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। बालूच कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, है ना। लोहत शम्पा कहाँ से हैं? भूटान से। ये जातियाँ अल्पसंख्यक। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को चीन के सियांग प्रांत में पृथकतावादी आतंकवाद चलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? डी इज द राइट आंसर। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय देश देश से सही सम्मिलित है? सी इज द राइट आंसर। IMF रूस। डी इज द राइट आंसर। अरे सॉरी 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 सी सॉरी 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 सी ILO स्विट्जरलैंड। सी इज द राइट आंसर। ये देखिए यहाँ पे आंसर दिए रहते हैं, आप लोग देख लेना। चलिए 76 क्वेश्चन है, अपरंपरागत सुरक्षा संबंधित है। सी इज द राइट आंसर, वातावरणीय सुरक्षा से। 77 क्वेश्चन है, किस सामरिक हथियार से प्रथम विश्व युद्ध में गत्या अवरोध समाप्त किया गया? बी इज द राइट आंसर, टैंक। 78 क्वेश्चन है, इसमें आपको दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, भारत प्रथम भारत 1971 भारत पाक युद्ध दौरान अमेरिका पाकिस्तान के प्रति हितकर प्रतीत हुआ था। इस तर्क है, इस काल के दौरान सोवियत संघ भारत का मजबूत रक्षा सहयोगी था। डी इज द राइट आंसर, दोनों सही है। 79 क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। डी इज द राइट आंसर। 80 क्वेश्चन है, वर्ष 2018 जनवरी में भारत के पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुरक्षा एजेंसियों को साइबर चुनौतियों से तत्काल निपटना चाहिए। सम्मेलन कहाँ हुआ था? बी इज द राइट आंसर, टेकनपुर में। बी इज द राइट आंसर। 81 क्वेश्चन, आवास एक प्रणाली है जो? डी इज द राइट आंसर, वायु वायुयान आधारित है। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने निवारक राज नए शब्दावलियों का निर्माण किया था? बी इज द राइट आंसर, डेग हैमर शॉल्ड ने। 83 क्वेश्चन है, किस रूसी नेता ने अत्यधिक शक्ति बल के असीमित प्रयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था? बी इज द राइट आंसर, व्लादिमीर पुतिन। बी इज द राइट आंसर। 84 क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और तर्क दिया गया। स्वतंत्र बांग्लादेश की प्रथम सरकार भारत के प्रति सहानुभूति पूर्ण थी। बांग्लादेश के स्वतंत्र संघर्ष में भारत ने केंद्रीय भूमिका निभाई। कौन सा है? ए इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है। 84। चलिए 85 क्वेश्चन है, संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा किसने दी? ए इज अ राइट आंसर, जोहान गलतुंग ने। 86, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA किस वर्ष स्थापना की गई? 2005। ए इज अ राइट आंसर। किसने कहा था स्ट्रेटजिक चिंतन भारतीयों के इतिहास में नहीं है? जॉर्ज टेन हेम ने। बी इज अ राइट आंसर। 88 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIE निम्न ध्येय के साथ स्थापित की गई थी? बी इज द राइट आंसर, आतंकवादी कार्रवाइयों की जांच के लिए। बी इज द राइट आंसर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? डी इज द श्रीहरिकोटा। डी इज द राइट आंसर।
90 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने संयुक्त राष्ट्र पद को दिया था? इज द राइट आंसर रूज़वेल्ट। 91 क्वेश्चन है, विनाश की कूटनीति संबंधित है? इज द राइट आंसर परम युद्ध से। 92 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का गठन किस दौरान किया गया? सी इज द राइट आंसर पंजाब उग्रवाद के समय। सी इज द राइट आंसर 93 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो और ऑपरेशन साइक्लोन संबंधित है भारत से? सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्षा व्यय की वृद्धि करता है? ए इज द राइट आंसर सशस्त्र दौड़। ए इज द राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है कि संबंधित है? ए इज द राइट आंसर जलवायु परिवर्तन से। 1965 वॉर द इनसाइड स्टोरी किसने लिखी थी? RD प्रधान ने। बी इज द राइट आंसर। कौन से देश MTCR का सदस्य नहीं है? ए इज द राइट आंसर चाइना। किस देश की रक्षा नीति का लक्ष्य होता है? सी इज द राइट आंसर क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। अरिहंत है एक क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। ब्रह्मोस है एक क्या है? क्रूज प्रक्षेपास्त्र। ए इज द राइट आंसर क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।